फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आ चुकी हूँ आपका फेवरेट वीडियो जिसपे आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, और वो है माय नाइट रूटीन। सो मैंने इस पर अपना एक रूटीन मैंने बताई अपनी नाइट रूटीन। सो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूँ, आई बटन में दे दूँ या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकती हूँ। सो प्लीज़ चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो अगर देखना हो तो। सो इसमें मैं अपनी नाइट रूटीन बताने वाली हूँ। 6 o'clock से मैं अपनी नाइट रूटीन बताऊँगी, मतलब 6 PM से। सो मैं जब तक सोती हूँ तब तक मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या करती हूँ मैं ये नाइट में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज, मेक श्योर हिट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट स्मॉल बेल आइकन सो यू विल नॉट मिस माई एनी वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, मेरी नाइट रूटीन स्टार्ट होती है 6 o'clock से। सो अभी टाइमिंग हो रहा है 6 o'clock। सो अब मैं रूम में आती हूँ एंड थोड़ी देर के लिए मैं कांच में देखती रहती हूँ, पागल जैसे करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने स्टडी टेबल को क्लीन कर रही हूँ, बिकॉज थोड़ी सी मेसी है, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत ही है। सो मैं ठीक कर लेती हूँ। अपना फेस वॉश करने, बिकॉज अभी शाम हो गई इसलिए फेस वॉश तो एक बार करना ही चाहिए, दिन में एक दो बार करना ही चाहिए। सब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ फेस वॉश करके। सो अब मैं कॉम्ब करूँगी अपने हेयर्स को। सो चलिए फ्रेंड्स, कॉम्ब करते हैं। रूम हो चुका है क्लीन, मैंने अपनी हेयर स्टाइल भी कर ली। हेयर स्टाइल कुछ भी नहीं, बस पोनी बनाई है। सो अब मैं पी रही हूँ कॉफ़ी और देख रही हूँ फ़ोन। सो मैं कुछ आइडियाज़ देखती हूँ यूट्यूब के लिए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाना है, और कभी कभी ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ वीडियोज़ देखती हूँ यूट्यूब पर। सो फ्रेंड्स, मैंने कॉफ़ी पी ली है। सो अभी मैं बस कुछ भी नहीं, अपना होमवर्क करूँगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं करने वाली हूँ अपना ऑनलाइन क्लासेस स्कूल का होमवर्क। सब्जेक्ट कंप्यूटर है, सो मुझे होमवर्क करना पड़ेगा। सो चलिए करते हैं।
रही हूँ अपना डिनर। सो डिनर में मैंने लिया है पराठा, टमाटो प्याज वगैरह मिक्स करके से पराठा बनाया है, और पोटैटो वगैरह। बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठा था। एंड अभी भी मैं फ़ोन ही देख रही हूँ। सो अभी भी मैं बस अपने वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे। जाने वाली दाल राइस लेने के लिए, बिकॉज मैंने नहीं लिए थे, सो मुझे दाल राइस ले। फ्रेंड्स अभी मुझे नाचना है, मैं कुछ भी करती हूँ टाइम पास, सो मैं नाच रही हूँ क्योंकि हमारी टीवी दी है ठीक करवाने के लिए। सो अभी टाइम पास होता नहीं है, सो मैं नाचती रहती हूँ वैसे कांच में। वैसे तो मैं मिरर देख के नाचती हूँ, बट आपके सामने मैं फ़ोन के सामने नाच रही हूँ फ्रंट कैमरे से। एंड आप गेस कीजिए कौन सा गाना है। फ्रेंड्स अब मैं अपने बिस्तर पे सोने वाली हूँ, से आप बिस्तर कर लिए वो भी हमने अपने रूम में ही। तो अभी मैं क्या करूँगी, स्टोरीज जो है ना रीड करने वाली हूँ। सो मैं आपको भी बताती हूँ कि मैं कैसे स्टोरीज रीड करती हूँ। स्टोरी रीड करना तो आपको भी आता होगा। सो आज मेरी स्टोरी बताओ कौन सी वाली है। द माउंटेन स्ट्रीम। सो माउंटेन स्ट्रीम। सो ये वाली स्टोरी का आज नंबर है। मैंने इतनी पूरी स्टोरी देखो रीड कर ली है सारी, और इतनी करनी है। और ये मुझे अपने स्कूल से मिली है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें क्या क्या होते हैं, स्टोरीज, थॉट्स, माउंट पोयम सब कुछ है। सो ये है अमाउंट ऑन स्ट्रेन। सो चलिए फ्रेंड्स रीड करते हैं। सो मैं आपको फास्ट करके वीडियो में बता दूंगी। सो चलिए रीड करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज अ ब्रोक एट द बॉटम ऑफ द हिल फ्रॉम वेयर आई लिव आई कैन।